राजधानी दिल्ली में एक तरफ पानी के मुद्दे को लेकर लोग और दिल्ली सरकार के बीच तकरार चल रही है। आपको बता दें कि एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने इस मुद्दे पर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार पर पलटवार किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजधानी दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई को लेकर सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई। दिल्ली में गर्मी आते ही पानी की समस्या देखने को मिलती है। इस मुद्दे को लेकर एलजी विनय सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच भी तकरार साफ तौर पर देखने को मिली। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार पर पलटवार किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में इस ओर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी विधायक अजय महावन ने कहा कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में पीने के पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, लेकिन इस समस्या पर सरकार आंखें मूंद कर बैठी है, और जब दिल्ली के उपराज्यपाल इस मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं तो इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। और बार बार इस 10 साल के गवर्नमेंट होते हुए और जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हुए भी ये फेलियरिटी किसकी है? एक छोटा सा डेंगू मच्छर मार के भी ये जब करोड़ों का विज्ञापन छपवाते हैं, वाहवाही करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में हमने क्रांति ला दी, तो फिर वो क्रेडिट तो एलजी को नहीं देते, वो तो क्रेडिट खुद लेते हैं ना। तो जल विभाग के इस नाकामी का, उनकी अकर्मण्यता का प्रतिफल किसको मिलेगा? दिल्ली सरकार को मिलेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि एलजी साहब पीछे लगातार इनको बुला रहे थे अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद। बीजेपी के विधायक अजय महावन ने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में कई बार उठाया जा चुका है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है। अजय महावन ने कहा कि आखिरकार सरकार इस विषय को लेकर टकराव क्यों करती है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि टकराना छोड़कर सरकार अपनी विफलताओं पर ध्यान दे। जल प्रबंधन की इस नाकामी के पीछे क्या अरविंद केजरीवाल पर जिम्मेदारी नहीं जाती क्या? पूरी दिल्ली के हर विभाग को उन्होंने बंधक बना करके रखा हुआ है। कैसे मुख्यमंत्री काम कर सकता है रोजमर्रा का? आम आदमी पार्टी षड्यंत्र कर रही है, दिल्ली को राष्ट्रपति शासन की ओर ढकेल रही है, क्योंकि वो अपना मुख्यमंत्री नहीं, अगर वो अपना मुख्यमंत्री नेता चुन लें, नया नेता, तो क्या परेशानी भाजपा को, केंद्र को, एलजी को? हमें कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए अब वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ कि सहानुभूति की लहर पैदा नहीं हुई जिसकी उन्हें उम्मीद थी, तो अब नए सहानुभूति कार्ड को ढूंढ रहे हैं, और वो उनको राष्ट्रपति शासन में दिख रहा है, इसीलिए वो षड्यंत्र करके जबरन दिल्ली को राष्ट्रपति शासन की ओर ढकेलना चाहते हैं। हाल ही में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली में हो रही पानी की परेशानी को लेकर सीएम केजरीवाल को एक खुला पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सरकार की कई विफलताओं के बारे में जिक्र किया था। इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी पलटवार किया। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।